सब्सक्राइब कीजिए यस फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। ये मैंने बुकरम लिए, बुकरम को हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और जिस साइड हमारी ये क्लोज है बुकरम की, देखिए इस साइड से हमें 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। आप जितनी भी चौड़ाई का गला पहनते हो 2.5 इंच या 2.25 इंच उतनी पर आप लगा सकते हो। और यहाँ से हमें 7 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच की दूरी पर एक डॉट लगानी है। यहाँ से हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरह से यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इससे आगे हम लगभग 1 इंच की दूरी हो या उससे थोड़ा कम भी रख सकते हैं, ये मैंने निशान लगाया हुआ है, और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारी ग्लास की शेप में गला बन चुका है। अब हम इस कपड़े के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। देखिए इस कपड़े को हमें उल्टी साइड ऊपर रखनी है, इस तरह से रख करके यहाँ पर हम बुकरम के ऊपर किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कट कर लेते हैं। यहां पर छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। और इस तरह से हम मोड़ करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम मोड़ करके यहाँ पर एक कट लगाएंगे। ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ सेंटर में एक कट लगाएंगे।
और इसको इस तरह से रखना है, और जहाँ ये मैंने कट लगाया हुआ है इस कट को इस तरह से यहाँ पर मिलाना है, और यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे, पहले सीधी सिलाई लगाएंगे। ये यहाँ पर सिलाई पूरी हो चुकी है, अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के किनारे किनारे लगानी है, कपड़े के ऊपर लगानी है, बुकरम के किनारे किनारे। अब यहाँ पर हम काट लेते हैं। देखिए यहाँ से हमें इतनी दूरी रखनी है, आधा इंच की दूरी पर काटना है, क्योंकि यहाँ पर सिलाई है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब देखिए हम इसको अंदर की तरफ पलट लेते हैं, इस तरह से पलट लेंगे। और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये नेक बन चुका है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।